हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने लगे हैं कार्ड स्टाइल चिकन विद राइस। और उसके लिए जो हमारे पास अज्जा हैं, हमने चिकन लिया है बोनलेस 1/2 kg, एक लीमू का रस। अच्छा, जो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमें चीज़ेस चाहिए वो हैं 1 teaspoon काली मिर्च पीस ली गई है, 1 चम्मच धनिया पाउडर पीसा गया है घर पर ही, ये धनिया है और इसको भी मैंने ग्राउंडली चॉप कर लिया, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च 1/2 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच पीस लिया गया है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 1 हरी मिर्च। हमारे पास 1.5 कप चावल है जो कि हमने भिगो के रखे हुए हैं पानी में, और चावलों को पकाने के लिए जो हमारे पास अज्जा हमें चाहिए वो है 1/2 चिकन क्यूब, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ज़ीरा। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करने के लिए मैं नींबू का रस डाल दूँगी इसके अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ें थीं, जैसे कि धनिया पाउडर, नींबू शामिल कर दिया हमने। उसके बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालने लगे हैं। धनिया जो चॉप कर लिया था, नमक, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। ये चिकन मैरिनेट कर लिए, इसको 15 से 20 मिनट तक हम छोड़ देंगे और इतनी देर हम अपने चावल तैयार करते हैं। पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लें और जो चिकन हमने मैरिनेट किया है हम इसके अंदर वो पकाएंगे। पैन में हमने चिकन शामिल कर दिया, बस अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर देंगे। चिकन हमारी तैयार है, बस हम चिकन को निकाल लेंगे और अब हम अपने राइस प्रिपेयर करते हैं। अब हम अपने राइस बनाने लगे हैं और उसके लिए मैंने 1 से 2 खाने के चम्मच जो है वो ऑयल शामिल कर लिया देगची के अंदर। अब मैं ज़ीरा डालूँगी और हल्का सा सॉटे कर दूँगी। ज़ीरा बस 1 मिनट ही हमने सॉटे किया है और इसकी खुशबू आने लगी है। अब हम इसके अंदर चिकन क्यूब शामिल करेंगे, ये पुलाव स्टॉक क्यूब थी और मैंने आधी ले ली है, और इसके अंदर शामिल करके इसको आप डिसॉल्व कर लें। मसाला तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अच्छा, जो ब्राउन कलर है ये चिकन क्यूब का है हमारा, ठीक है, ज़ीरा जला नहीं है। और फिर हम अपने चावल शामिल करते हैं इसके अंदर। चावल हमने डाल दिए, अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं। चावल हमने दम दिए थे और ये आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुके हैं। बस अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।